जब मुख्यमंत्री साहब भी ऐसे किसानों वालों विरोध भी किया गया उन्होंने एम एल एद का भी तो जिड़ मलेरकोटला के एम एल ए साहब आ उन्होंने किस तरह देख रहे बतौर एम पी इन्होंने कुछ संगरूर के लिए किया नहीं बतौर चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है तो साढ़े भाई मूसेवाल इन्हों की अणगहली के नाल साजिश के नाल कतल कराया गया है क्या जी गल करी जाए मान साहब के केड़े केड़े मेन मुद्दे आप लैके चले पर जे 10 किलों के ला दो यूकलिप्टस तो एक किला ला दो भंग का तो वह कागज़ जे ज़्यादा बन जाए तो इदो ज़्यादा मौज कहती है ना वो पानी देना पेगा ना उन्होंने कुछ करना पेगा हूँ ये तो तहजीब नहीं ना साडा रवाज है कि उन्होंने इकलौता पुत उसनू मार दिता जाए अमित शाह की गलती दे नाल ते चीफ मिनिस्टर ते डी जी पी की अणगहली दे नाल ते फिर वो बेचारे नू फड़ के उत्थे चंडीगढ़ पेश किया जाए कि जिवें वो मुलजम हुंदे आ ये तो साढ़े सिख कौम के लिए तो बहुत शर्म की गल है गल करी जाए कि जिस तरह का माहौल चल रहा आए दिन गैंगवार हो रही है लोग मरी जाते हैं वह सिस्टम दे कंट्रोल दी है जे आप सत्ता जाने तो की सिस्टम लैके जे असी सत्ता दे विच आउंदे हैं असी सारे गैंगस्टर्स नूं टेबल दे उत्ते बिठाउणा है 2022 की जीवनी चोणां का बिगल बज चुका है जे गल करी जाए तो संगरूर के आम आदमी पार्टी वालों भी कागज़ भरे गए हैं तो दूजे पासे सरदार सिमरजीत सिंह मान अमृतसर बादल वालों भी भरे गए हैं असं उन्होंने गल करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर जी अज कागज़ भरे ने किस तरह का महसूस हो? मैं तो बहुत अच्छा महसूस होंगे कि मेरी पार्टी ने मैं एडा दर्जा दिता है तो इन्ना मेरे इतबार दिखाया कि मैं संगरूर का इलेक्शन लड़ भी सकता है तो जित भी सकता है। मैं तो बड़ा प्राउड है। जे गल करी जाए मान साहब के केड़े केड़े मेन मुद्दे आप लैके चले जी अपने मुद्दे है संगरूर दे एक तो घग्गर का मुद्दा है एक जिहड़े किसान हैगे है गन्ने का मसला हैगा कि सरकार इन्हां नूं पिछले पैसे नहीं दे रही तो गन्ना लाउण नूं लोग हट गए है किसान तो सारे विद्वान कहिंदे है कि सिर्फ झोने ते कणक नूं ना लाओ पर जे किसान गन्ना ला लैंदे है कमाद ला लैंदे है मूंगी बीज दिंदे है जां होर कोई फसल कर दिंदे है फिर उहदे पैसे नहीं मिलते। पर नवीं जिहड़ी रिसर्च होई है तुहानूं मैं दसदा है कि जिहड़ी भंग है इस नूं हुण जायज़ करा रहे सारे मुल्क हुण जे एक एकड़ दे विच आपां भंग ला दीए ते उहदा जिहड़ा कागज़ बणूगा वो 10 किले जे आपां यूकलिप्टस जां पॉपुलर लाईए वो इक्को किले दे विच ज़्यादा कागज़ भंग बना सकदी है। फिर ये तुसीं दसो तुसीं भंग दे हक च कि उहदे खिलाफ हो ये तो तुहानू भी तो दसना पेगा फिर मैं पता लगे मैं सियासतदान है तो मैं भी लोगों को दसना पेगा लोग भंग दे विच इंट्रस्ट रखते है कि नहीं रखते हसदे हो तुसीं। पर जे 10 किलों के ला दो यूकलिप्टस तो एक किला ला दो भंग का तो वह कागज़ जे ज़्यादा बन जाए तो इदो ज़्यादा मौज कहती है ना वो पानी देना पेगा ना उन्होंने कुछ करना पेगा। जे गल करी जाए अज मुख्यमंत्री साहब भी ऐसे किसानों वालों विरोध भी किया गया उन्होंने एम एल एद का भी तो जिड़ मलेरकोटला के एम एल ए साहब आ उन्होंने किस तरह देख रहे? फिर वो तो भगवंत जी का करना पेगा क्यों करके बतौर एम पी इन्होंने कुछ संगरूर के लिए किया नहीं बतौर चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया है तो साढ़े भाई मूसेवाल इन्हों की अणगहली के नाल साजिश के नाल उन्होंने कतल कराया गया है क्या तो इन्हों पता सीगा दिल्ली की पुलिस ने इन्हों दसता सीगा कि फलाने बंदा असी फड़िया है वह नाम की है ये शाहरुख तो इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया तो
होम मिनिस्टर अमित शाह ने ते पल्ला साहब जेडे यूनियन होम सैकटरी है उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया जो तो दिल्ली पुलिस उन्होंने थले काम करती है। तो दिल्ली पुलिस ने दसिया सीगा कि एक सब तो ज़्यादा मशहूर जेड़ा गायक है पंजाब का उन्हों मार देना है। सो यह तो बहुत भारी यह अणगहली हुई है। तो बड़े अफसोस की गल है कि अज अमित शाह जी चंडीगढ़ आए थे तो साढ़े मूसेवाल साहब के मम्मी पापा नूं फड़ के उन्हों चंडीगढ़ ले गए तो कहते कि लो हुण तुसी अमित शाह जेडे साढ़े होम मिनिस्टर है उन्होंने दर्जे दर्शन करो। हुण ये तो तहजीब नहीं ना साडा रवाज है कि उन्हों का इकलौता पुत उसनू मार दिता जाए अमित शाह की गलती दे नाल ते चीफ मिनिस्टर ते डी जी पी की अणगहली दे नाल ते फिर वह बेचारे नू फड़ के उत्थे चंडीगढ़ पेश किया जाए कि जिवें मुलजम होंदे ये तो साढ़े सिख कौम के लिए तो बहुत शर्म की गल है। तो ये तो खिलाफ मैं बहुत बोलूँगा कि यह की किया जुल्म वह तो बेचारे इकलौता पुत सी उन्हां दा ते इकलौता पुत दा विआह अगले महीने सीगा वह तो सेरा भी तैयार करी बैठे सीगे बहू दे लई गहने भी तैयार किए गए सीगे उहदा कमरा भी मैं देख के आया किहड़ा हुंदा है। तो मेरा मतलब अजे भोग पिया नहीं फुल कल ही पे है तो उन्होंने फड़ के ये कांग्रेस वाले जा बीजेपी वाले जा बादल दलिए अमित शाह के कोले ले जाए। यह यार ये एडा जुल्म है कि सिख जिहड़ा हैगा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नहीं साथों बर्दाश्त होना जिहड़ा अमित शाह ने उन्होंने फड़ के अपने कोले बुलाया हैगा। ये गल करी जाए कि जिस तरह का माहौल चल रहा आए दिन गैंगवार हो रही है लोग मरी जाते हैं वह सिस्टम दे कंट्रोल दी है जे आप सत्ता जाने तो की सिस्टम लेके जे असी सत्ता दे विच आउंदे हैं असी सारे गैंगस्टर्स नूं टेबल दे उत्ते बिठाउणा है तो उन्होंने गल करनी है कि देखो तुसी घर छड्डिया होया है तुहाडे पिछे पुलिस ते फौज फिरदी है तुसी लुक के जिंदगी कटदे हो ते असी तुहानू सिविलाइज्ड बंदे बनाउणा चाहुंदे हैं कि तुसी अपने घरां दे विच वसो तुहाडी शादी होवे तुहाडे बच्चे होण तुहाडा सारा जमीन जायदाद होवे ते तुहानू किसे दा डर ना होवे। साडी तां इह स्कीम है कि इन्हां नाल सारी मीटिंग कीती जावे ते फिर जे नहीं मन्नदे इन्हां नू छुट्टी दित्ती जावे कि फिर असी 8 घंटे तुहानू दिंदे हैं तुसी जिथे मर्जी जाना चले जाओ तो ये वापस जिहड़ी जिंदगी बतीत करना चाहुंदे आ करी जाण पर एक बारी तो इन्हां नू मुड़ वसेवा तो करना पैंदा ना। हुण ऐ फड़ के थोड़ी मार देईदे आ बंदे क्वेश्चन जी के जे गल करी जाए कि जो संगरूर की गल करी जाए तो पंजाब आम आदमी पार्टी की सत्ता है तो थोड़ा उन्होंने ही मतलब कि तुम इलैक्शन की तैयारी कर रहे हो कि थोड़ू लगता है कि वह थोड़े तो हैवी रहेंगे जिमें अज साडे चीफ मिनिस्टर साहब आए है लुक के आए है लुक के चले गए है इसका मतलब है कि ये तो लुक के रहेंगे आम आदमी पार्टी वाले और की करेंगे साढ़े लिए तो मैदान खुला छड़ गए है ना। ये सन साढ़े सरदार सिमरजीत सिंह मान जी जिन्होंने तंद कसते हुए कहा है कि जेडे अज सीएम साहब आए ने एक तरह के लुके आए तो लुके ही चले गए इन्हों सा कोई ज़्यादा कोई खास मुकाबला नहीं होगा। वेखना होगा कि आने वाली 26 तरीक नू जनता किस दे सिर ते ताज रखती है। संगरूर तो रवि शर्मा डेली पोस्ट।